योग, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। योग, यज्ञ, दान, तप, कर्म, पुरुषार्थ, इसकी महिमा पूरे हमारे वैदिक संस्कृति साहित्य में हमारी सनातन आर्य इस परंपरा में परिपरी। इसलिए हम योग और यज्ञ को सर्वाधिक महिमा देते हैं पतंजलि योगपीठ में। योग और यज्ञ को आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करते रहना। रोज नहीं कर सको यज्ञ तो कम से कम गाय के घी का दिया जला लेना अपने घर में। और पतंजलि पूजा सामग्री के नाम से अलग अलग धूप, अगरबत्ती सामग्री आदि मिलती है। ज़्यादा मंत्र आदि नहीं आते हैं तो खाली गायत्री मंत्र और ओम से ही होम कर लेना। होम, हवन, अग्निहोत्र, इसकी बड़ी महिमा अपने यहाँ। योग, इसमें प्राणायाम, ध्यान और थोड़े आसन, इसको ही साध लिया आपने। मैं कहता हूँ 90 से 99% समस्याओं का समाधान तो ध्यान पूर्वक प्राणायाम करने से ही हो जाता है। मैं सर्वाधिक योग में महत्व प्राण को देता हूँ जो दृष्ट है, और इससे हम जो योग की अदृष्ट शक्तियाँ उनको भी पा लेते हैं। प्राणायाम का, तप, ओंकार का जप, इसी से हो जाएगा सारा काम आपका। 99% समाधान प्राणायाम के तप से और ओंकार के जप से।